हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा बुटीक। आज दोस्तों आपको ब्लाउज का नाप लेना सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। पहले हम आपको नाप लेके दिखाएंगे, फिर उसी नाप से दोस्तों ब्लाउज की कटिंग करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। आइए आपको नाप लेना सिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। यहाँ से दोस्तों कंधे से हम लंबाई लेंगे इस जगह से, ठीक है दोस्तों। इंची टेप को इस जगह से रखेंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और लंबाई यहाँ तक, कमर तक लेंगे। जितनी कस्टमर को पहननी हो दोस्तों उसी हिसाब से लंबाई लेंगे। इनकी लेंगे दोस्तों 14.5 इंच, ठीक है दोस्तों। और डॉट लेंथ का दोस्तों जब मैं आपको बताता हूँ कि डॉट लेंथ इतनी रखी जाएगी दोस्तों, डॉट लेंथ कहते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। यहाँ सेंटर पे इनकी डॉट लेंथ दोस्तों 11 इंच आ रही है और लंबाई आ रही है दोस्तों 14.5 इंच, ठीक है दोस्तों। वो कस्टमर से आप पूछ लेंगे कि आपको लंबाई कितनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इनकी लंबाई हम रखेंगे 14.5 इंच, ठीक है दोस्तों। और डॉट लेंथ इनकी हो गई 11 इंच। अब दोस्तों फिर कस्टमर से बोलेंगे हाथ उठाओ, इस तरीके से हाथ उठवाने हैं दोस्तों। इस तरीके से इंची टेप यहाँ पर एकदम ला के फिक्स नापना है। चेस्ट का नाप लेंगे, ठीक है दोस्तों। चेस्ट हमारी इनकी आ रही दोस्तों 38.5 इंच, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से कमर का, जहाँ पर हमने कमर 14.5 ली थी वहीं पर दोस्तों फिक्स में इस तरीके से नाप लेना है। इनका दोस्तों नाप आ रहा है 34 इंच, ठीक है दोस्तों। कमर का नाप है दोस्तों 34 इंच, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे शोल्डर का नाप लेना है। ये दोस्तों हमारा कंधे, यहाँ से हमारी बाजू गिर रही है दोस्तों, वहीं से हम शोल्डर का नाप लेंगे। इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे दोस्तों, जहाँ से हमारी बाजू ये गिर रही ना उसी हिसाब से शोल्डर का नाप लेंगे। इनका दोस्तों शोल्डर आ रहा है हमारा 14.5 इंच, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इस तरीके से यहाँ से इंची टेप रखेंगे जहाँ पर हमारी बाजू गिर रही है, और यहाँ पर रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर शोल्डर आ रहा है इनका 14.5 इंच, ठीक है दोस्तों। अभी इसी हिसाब से हम बैक गले का नाप ले लेंगे। यहाँ से कंधे से ही जहाँ से हम ब्लाउज का नाप लेते हैं, लंबाई ली थी वहीं से हम इंची टेप इस तरीके से रखेंगे और गला ब्रॉड का नाप लेंगे। लंबाई इनका दोस्तों रखेंगे हम 8 इंच। 9 इंच को कस्टमर से आप पता कर लेना कि आपको 8 इंच पहनना पसंद है या 7 इंच पहनना पसंद है या 6 इंच, जैसा उनको पसंद होगा वैसा उनसे पूछ के आप नाप रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इनका रखेंगे हम 8 इंच। ऐसे ही आगे का गले का नाप लेंगे। अब इनके गले का आगे, फ्रंट का आगे का नाप लेंगे। जहाँ से हमने लंबाई का नाप लिया था दोस्तों उसी तरीके से इंची टेप रखेंगे और कस्टमर से बोलेंगे दोस्तों कि आपको कितना पसंद है। तो इस तरीके से 7 इंच इनका गला जो रखेंगे 7 इंच रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा नाप हो गया। अब लेंगे बाजू का नाप। अब देखिए दोस्तों, इनकी बाजू का नाप लेंगे। जहाँ से दोस्तों हमने शोल्डर का नाप लिया था उसी जगह से जहाँ से हमारी बाजू गिर रही, यहाँ से दोस्तों हमारी बाजू गिर रही, तो यहीं पर इस तरीके से बाजू का नाप लेंगे, ठीक है दोस्तों। कस्टमर से पूछ लेंगे दोस्तों आपको बाजू पहनना कितनी पसंद है। तो इसी तरीके से दोस्तों इनकी बाजू रखेंगे हम 5 इंच, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से बाजू उठवाएंगे हल्के से और दोस्तों बाजू की मोहरी ले लेंगे। तो इनकी मोहरी है दोस्तों 12 इंच, इस तरीके से टाइट में लेना है। 12 इंच बाजू की मोहरी हो गई इनकी दोस्तों, बाजू की मोहरी हो गई 12 इंच इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब 3 इंच पे दोस्तों इस तरीके से 3 इंच पे हम दोस्तों 3.5 या 3 इंच पे लेंगे बाजू बाइसेप्स का नाप इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। बाजू को इस तरीके से उठवाएंगे और इनका बाजू बाइसेप्स दोस्तों आ रहा है 13 इंच, ठीक है दोस्तों। जो मैं आपको बाजू कटिंग करते टाइम बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। और आजकल दोस्तों एक पौने बाजू बहुत ज़्यादा फैशन में चल रही है जो कॉनी से ऊपर होती है, ठीक है दोस्तों। उसका नाप कैसे लेंगे दोस्तों वो आपको बता देते हैं। एकदम नीचे कस्टमर से बोलना है एकदम नीचे हाथ करो, ठीक है दोस्तों। और उसी तरीके से जो छोटी बाजू का नाप लिया था उसी तरीके से इंची टेप रखेंगे, कोनी मोड़ो। कस्टमर से बोलेंगे कोनी मोड़ो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इनकी बाजू आ रही 10 इंच। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर गुलाई का नाप ले लेंगे 10 इंच और इसी तरह बाजू बाइसेप्स का नाप ले लेंगे, ठीक है दोस्तों 13 इंच। यही नाप दोस्तों आपको डायरी में लिख के दिखाते। ये देखिए दोस्तों, हमने जो आपको बॉडी का नाप लेके दिखाया था वो हमने नोट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। एक बार आपको नाप समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, लेंथ हमने ली थी 14.5 इंच, चेस्ट 38.5 इंच नाप ली थी दोस्तों, और इसमें 3 इंच लूजिंग दी है, ठीक है दोस्तों। 3 इंच प्लस करे हैं दोस्तों इसमें, तो हमारा तैयार नाप हो गया है 41.5 इंच, ठीक है दोस्तों। बॉडी का नाप लिया था दोस्तों 38.5 इंच और इसमें दोस्तों 3 इंच की लूजिंग दी है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा फिक्स नाप हो गया है
41.5 इंच। ठीक दोस्तों, कमर में कोई लूजिंग नहीं देते दोस्तों, कमर हम फिक्स रखते हैं, ब्लाउज की कमर में कोई लूजिंग नहीं देते। ठीक है दोस्तों, तो कमर का नाप है दोस्तों 34 इंच, शोल्डर हमारा 14.5 इंच, फ्रंट नेक 7 इंच, बैक नेक 8 इंच, और दोस्तों डॉट लेंथ इसके लिए 11 इंच, जो बॉडी का नाप लिया था दोस्तों, तो हमारे डॉट लेंथ आ रही है 11 इंच। ठीक है दोस्तों, और बाजू की लंबाई 5 इंच और गुलाई 12 इंच। ठीक है दोस्तों, और बाजू बाइसेप्स जो मैं बाजू कटिंग करते टाइम आपको बताता हूँ दोस्तों, वो बाजू बाइसेप्स जो मैंने आपको लेके दिखाया है दोस्तों, वो लिया है दोस्तों 13 इंच। अब दोस्तों इसमें प्लस करेंगे 2 इंच। ठीक है दोस्तों, 2 इंच प्लस करेंगे इसमें और बराबर हमारा हो जाएगा 15 इंच। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बाजू बाइसेप्स तैयार हो गया 15 इंच। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह हमने कोहनी से जो ऊपर आजकल ज़्यादा फैशन में है बाजू, उसका भी नाप लेके दिखा दिया है। नाप है हमारा दोस्तों, लंबाई है इसकी 10 इंच और गुलाई है 10 इंच। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बाजू बाइसेप्स 13 लिया है, तो इसमें भी दोस्तों 2 इंच प्लस कर देंगे, तो हमारा टोटल हो जाएगा 15 इंच। ठीक दोस्तों, ये हमने ब्लाउज का बॉडी का नाप लेके दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको समझा भी दिया है कितना लूज करना है। ठीक है दोस्तों, और इसी नाप से दोस्तों आपको ब्लाउज की कटिंग करके भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, इसी नाप से दोस्तों हम कटिंग करके दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।